डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार 2020 आईआईटी एडवांस में पूछे गए केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, दो पेपर हुए हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड है ना, आपने जो अटेम्प्ट किया होगा उसको पता होगा, या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप सबको पता है दो पेपर होते हैं एडवांस में। दोनों पेपर में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पेपर सेकंड में 18 क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जो है उनका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आई से रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, I1, I2, I3 ऑफ फोर एटम्स विथ एटोमिक नंबर एन इज विथ एटॉमिक नंबर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन एन प्लस थ्री वेर एन इज लेस देन 10 आर टेबुलेटेड बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। कह रहा है कि एलिमेंट्स हैं कुछ जिनका एटॉमिक नंबर एन से लेकर के एन प्लस थ्री तक है कंटिन्यूटी में, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री। इन चारों ही एलिमेंट के फर्स्ट थ्री आयोनाइज एनर्जी का डेटा यहाँ दे रखा है, और कह रहा है कि एन का वैल्यू लेस देन 10 है, एन का वैल्यू लेस देन 10 है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। इन डेटा को देखें, आप देखो यहाँ पे एन प्लस टू के लिए आयोनाइज फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी वेरी लो है, ये 496 किलो जूल पर कैल्विन, किलो जूल पर मोल। और ये यहाँ पे देखो, इसकी सेकेंड आयोनाइज एनर्जी वेरी हाई है, 4562, ठीक है। तो इसके फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइज एनर्जी में काफ़ी गैप है, इसका मतलब है ये अल्कली मेटल है, ठीक है। यदि दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आई ई एन और आई ई एन प्लस वन में, आई ई एन और आई ई एन प्लस वन में वेरी लार्ज गैप हो, तो उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है एन, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट और सेकंड में लार्जेस्ट गैप है, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें है वन, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वन किसका कैरेक्टर है, अल्कली मेटल का कैरेक्टर है। यानी n प्लस टू जो एटॉमिक नंबर है, जेड इज इक्वल टू n प्लस टू, ये तो बेटा अल्कली मेटल है, ये तो अल्कली मेटल है। एंड सिंस n इज लेस देन 10, ये गिवन है ना, n इज लेस देन 10, हैंस यहाँ जो जेड देख रहे हो विच इज इक्वल टू n प्लस टू विल बी लेस देन 10 प्लस टू, लेस देन 12। अब ये अल्कली मेटल है, ये एलिमेंट n प्लस टू एटॉमिक नंबर वाला अल्कली मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर 12 से लेस है। तो अल्कली मेटल लिथियम और सोडियम, मात्र ये दो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 12 से कम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। अब ये या तो लिथियम है या सोडियम है, अगर लिथियम है तो एटॉमिक नंबर इसका 3 है, ठीक है। तो n प्लस टू का वैल्यू यदि 3 होगा, है ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 आयोनाइज एनर्जी कहाँ से पॉसिबल है, यानी ये लिथियम नहीं है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि ये सोडियम है, यानी सोडियम है तो n प्लस टू का वैल्यू 11 है, ठीक है। n प्लस एल का वैल्यू, n प्लस टू का वैल्यू 11 है, तो n इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। यही आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया 9, n का वैल्यू 9 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, सिंगल डिजिट में इंटीजर होगा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म, ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में है। कह रहा है व्हेन अ चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर देयर फॉलोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ दिस शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग। अब ये एक कॉलम में इस लिक्विड को भर लिया गया है, ये लिक्विड है इस कॉलम में, ठीक है, और ये चार्ज कॉम पे है ना, चार्ज कॉम के पास इसको फ्लो करवाता है। तो ये आप देख रहे हो, ये लिक्विड डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि लिक्विड पोलर है। तो आप इसमें से काउंट कर लो कौन सा पोलर कंपाउंड है, जो पोलर है वह डिफ्लेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। जो नॉन पोलर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो O2 तो नॉन पोलर है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, HF पोलर है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, H2O पोलर है डिफ्लेक्ट हो जाएगा,
अमोनिया पोलर है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी पोलर है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। CCl4 नॉन पोलर है, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। CsCl3 क्लोरोफॉर्म पोलर है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। C6H6 बेंजीन नॉन पोलर है, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये C6H5Cl पोलर है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, इन सारे में 6 कंपाउंड ऐसे हैं जो पोलर हैं, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड KI इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू रिलीज फोर मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। ओके, अब देखो KMnO4 और KI के बीच रिएक्शन है इन वीकली बेसिक मीडियम, और कह रहा है कि I2 प्रोड्यूस हो रहा है, और I2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है। I2 प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोडक्ट में I2 हम लोग लेंगे, और ये प्लस H2O। आप जानते हो बेसिक मीडियम में KMnO4 रिड्यूस होता है MnO2 में, और आयोडाइड कह रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में, मान लेते हैं I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 एज प्रोडक्ट कंसीडर कर लिए, प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट KOH है ना। आप इसको बैलेंस करना है, देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना, जबकि यहाँ मैग्नीज +4 में है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो +7 से +4 3 का चेंज है, -1 से 0 1 का चेंज है आयोडीन के लिए, 2 आयोडीन है, नेट चेंज 2 का हो जाएगा है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका कॉफिशियंट 2, इसका कॉफिशियंट 3। कॉफिशियंट MnO2 का 2, 2 मैग्नीज हो गया, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर लें, 2 KMnO4, आयोडीन 6 हो गया, 6 KI कर दो। अब यहाँ पोटेशियम देखो 2 और 6, 8 हो गए, 8 KOH कर दो। हाइड्रोजन 8 हो गया, 4H2O कर दो। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाना चाहिए, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, आयोडीन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है जब 2 मोल KMnO4 कंज्यूम होता है। तो 2 मोल KMnO4 कंज्यूम होता है तो 2 मोल से 3 मोल आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मोल से 6 मोल आयोडीन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर 6 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट वाज लेयर्ड विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल व्हेन इट वाज सेकंड आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ए ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेंड। द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रोमियम 6 कंपाउंड X। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ X। एक्चुअली ये क्रोमेट के टेस्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। क्रोमेट का टेस्ट होता है क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाता है CrO5 है ना। एमाइल अल्कोहल डाल देते हैं इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। यदि एमाइल अल्कोहल नहीं डालेंगे तो कुछ देर बाद ये CrO5 डिकम्पोज हो जाएगा। ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, ठीक ना। अगर एमाइल अल्कोहल नहीं डालेंगे तो यहाँ इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा, Cr3+ कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये CrO5 का स्ट्रक्चर देखोगे, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रखता है CrO5। यहाँ पेरोक्सी बॉन्ड है ना, पेरोक्सी बॉन्ड है। अब यही आपसे यही कह रहा था कि ये जो कंपाउंड एक्स है यानी CrO5, इस कंपाउंड एक्स में कितने क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहाँ देखो 5 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, 5 में एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बाकी है ना 6, बाकी 4 सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल 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 है ना, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, बाकी एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड पूछ रहा है, तो 4 हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 7, ये वन और मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है। अब तक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, अब वन और मोर देन वन चॉइस ट्रू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम्स ऑफ ए कंपाउंड x टेकन इन ए कंटेनर इज लोडेड इन ए बैलेंस एज शोन इन फिगर फर्स्ट बिलो। इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड द पैन विथ x इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड। डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड x आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को आप समझने कह रहा है कि कोई कंपाउंड x है ना, x को आपको देखो इस कंटेनर में x को रख लिया है। x सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, x है ना किसी भी फेज में है। और इसको एक बैलेंस पर कर रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर m मास की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यानी इसका मास m है इस कंपाउंड का। अब आप देखो एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसका मास कम हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो रिपेल्ड होता है वो डायमैग्नेटिक होता है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन तब क्रिएट होगा जब ये सब्सटेंस एक्स जो है ये डायमैग्नेटिक होगा। और ये यहाँ पे देखो इसका मास फिर इंक्रीज कर गया है, ये पुल डाउन हुआ है, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ऑप्शन पे आ जाए। ऑप्शन फर्स्ट है इफ एक्स इज एच टू ओ डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड, ठीक है। एक्स एच टू ओ है तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा। एक्स एच टू ओ, एच टू ओ क्या है, डायमैग्नेटिक है। एच टू ओ में है ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड होगा, रिपेल्ड होगा तो ये फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सेकंड है इफ एक्स इज के फोर एफिशियन 6 डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड। अब देखो के फोर एफिशियन 6, के फोर एफिशियन 6 में ये फेरस आयन है, सेंट्रल मेटल आयन Fe2+ है। Fe2+ में D6 होता है और लिगेंड यहाँ स्ट्रांग फील्ड है, लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इसका जो कन्फिग्रेशन होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G6 is a 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कोई नहीं है, ये भी डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक है तो ये भी अपवर्ड ही होगा। डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, अपवर्ड जाएगा। नेक्स्ट इफ एक्स इज O2 डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज डाउनवर्ड। O2 आप MOT के अकॉर्डिंग देखते हो, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो, π*2px1 π*2py1 दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, O2 पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इफ एक्स इज बेंजीन डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज डाउनवर्ड। बेंजीन डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होगा तो ये है ना अपवर्ड जाएगा, रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो चौथा सही नहीं है। अपने से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वन और मोर देन वन टाइप ही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या करेक्ट। ऑप्शन 1 है हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट्स व्हेन CO2 इज बबल थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। बिल्कुल ये बेयर्स प्रोसेस है ना, बॉक्साइट ओर का कंसंट्रेशन मेथड है, बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेट करने का 3 मेथड है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस एंड सरपेक्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस में जब बॉक्साइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये बॉक्साइट में प्रेजेंट जो Al2O3 है, ठीक है, ये Al2O3 एम्फोटेरिक होने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होकर के ये देता है NaAlOH4, सोडियम मेटाल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब इसमें CO2 गैस पास करवाते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो CO2
है ना, वाटर में डिजॉल्व होगा, H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा, H2CO3 से H+ आयन एक हाइड्रोक्सिल आयन को खींच लेगा और ये Al2O3.xH2O बनाता है प्लस NaHCO3 बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड, एडिशन ऑफ Na3Al6 लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का Al2O3 का जब हम रिडक्शन करते हैं थ्रू हॉल हेरॉल प्रोसेस, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिना से, ठीक है, हॉल हेरॉल प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे फ्लक्स का यूज किया जाता है। चूंकि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए फ्लक्स के रूप में Na3Al6 क्रायोलाइट प्लस CF2 फ्लोरस्पार इनके मिक्सचर का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिक्सचर इनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के मिक्सचर का, फ्लोरस्पार का और Na3Al6 का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये लोअर टेम्परेचर पर मेल्ट होकर के Al2O3 को अपने में डिजॉल्व कर लेते हैं। फ्लक्स है, मेल्टिंग पॉइंट कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो सेकेंड भी सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखें, CO2 इज इवॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी सही है। हॉल हेरॉल प्रोसेस में एनोड पर Al2O3 से आए हुए ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, ये O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और एनोड कार्बन का ग्रेफाइट रॉड होते हैं एनोड के रूप में, तो ग्रेफाइट रॉड का जो कार्बन है O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में, CO2 गैस इवॉल्व होता है, तो थर्ड सही है, CO2 इज इवॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। फोर्थ ऑप्शन है, कैथोड इज ए स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल जो होता है हॉल हेरॉल प्रोसेस में वो स्टील का वेसल होता है, और स्टील के वेसल के भीतरी वॉल पे जो है वो कार्बन के ब्रिक्स लगा दिए जाते हैं, इन कार्बन ब्रिक्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसको कैथोड बना दिया जाता है, तो कैथोड इज ए स्टील वेसल लाइनिंग विथ ए लाइनिंग ऑफ कार्बन, चौथा भी सही है। तो इन चारों ही ऑप्शन ट्रू हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह भी वन और मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, SnCl2.2H2O इज रेड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, SnCl2.2H2 में टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, बट टिन में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वह प्लस 4 है, Sn2 प्लस से ज्यादा स्टेबल Sn4 प्लस होता है, है ना, क्योंकि कार्बन फैमिली में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है केवल लेड में, केवल लेड में ही प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है प्लस 4 से, लेड से ऊपर जितने भी हैं कार्बन सिल्कन जर्मेनियम टिन इन सबों में प्लस 4 मोर स्टेबल होता है, इसलिए Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मोर स्टेबल प्लस 4 स्टेट में जाना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट सेकंड, SnO2 रिएक्ट्स विद KOS टू फॉर्म K2SnOH6, बिल्कुल, SnO2 एम्फोटेरिक है भाई, एम्फोटेरिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और रिएक्ट करके K2SnOH6 ये देगा, ये सेकंड में सही है। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl2 कंटेंट्स Pb2+ एंड Cl- आयन, नहीं ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि PbCl2 है ना, अगर HCl प्रेजेंट है तो यहाँ HCl से आया हुआ क्लोराइड आयन, PbCl2 में भी क्लोराइड आयन है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा, एक तो PbCl2 में कोवलन करेक्टर हाइयर हो जाता है, ऊपर से ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है HCl का ये इसको आयोनाइज नहीं होने देगा Pb2 एंड Cl- में, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखें, रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विथ हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव Pb2 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन तो होता है बट दिस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे इसको समझे, Pb3O4 + HNO3 डाइल्यूट यूज कर रहा है, प्रोडक्ट बनता है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO2 + H2।
अब Pb3O4 क्या है बेटा? Pb3O4 PbO और PbO2 का मिक्सचर है। Pb3O4 में एक मोल Pb3O4 में दो मोल PbO और एक मोल PbO2 होगा। Pb काउंट कर लें, दो एक तीन, तीन ऑक्सीजन, दो और दो चार, ठीक है। अब यहाँ ये बैलेंस करना है 2PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। नाइट्रेट दो दो चार आ गया, 4HNO3 कर दो, है ना। हाइड्रोजन चार आ गया, 2H2O कर दो, दो दो चार, बिल्कुल बैलेंस हो गया ये सारे, है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ लेड Pb3O4 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में और +4 में, है ना। और यहाँ भी देखो, दो लेड +2 में है, यहाँ भी दो लेड +2 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं। एक लेड +4 में है, यहाँ भी एक लेड +4 में है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं। नाइट्रेट एज इट इज है, एज इट इज है, किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है। सही ऑप्शन अपने को चुनना है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को चुनना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो ये पेपर सेकेंड में इनऑर्गेनिक से इतने ही क्वेश्चन थे, फिर आगे और कभी मुलाकात होगी, ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम CLC। जे एडवांस 2020 के पेपर 1-2 का सोल्यूशन अपने करा रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेप्टाइड इज गिवेन बिलो। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा है। इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH=2, pH=6 एंड pH=11 आर mod Z1, mod Z2 एंड mod Z3 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज Z1 + Z2 + Z3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर कट है, ठीक है, इसको बात करते हैं, इसको आप इधर कर लो, ठीक है। अब इधर देखो, आप एट pH=2 पे बात करेंगे, pH=2 किस पे बात कर रहे हैं, 2 पे, ठीक है ना, टायरोसिन लाइसिन, ठीक है। ये NH2 किस में चला जाएगा, NH3+ में, बात आराम से देखो, ये NH2 किस में चला जाएगा, NH3+ में, 2 है, एसिडिक है। तो mod Z1 pH=2 पे क्या रहा है, mod Z1, तो mod Z1=2, ठीक है ना, टायरोसिन लाइसिन प्लस, तो mod Z1 क्या हो गया, 2। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत, एक बात हो गई। अब क्या कर रहा है, pH=6 पे क्या बताना है, mod Z2। अब देखो इधर, COH किसमें चेंज होगा, COH चेंज होगा बेटा CO- में। डाइपोलर है तो दो COH, देखो इधर ध्यान से, आराम से, ये COH है, ये COH है, CO- और NH2 NH3+ हुआ, तो 2-2+ क्या हो गया, 0। mod Z2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर कट बात है, pH=2 पे NH2 को किसमें चेंज किया, NH3+ में, 2 NH2 थे, दोनों किसमें चेंज हो गए, NH3+ में। mod Z2 COH, CO पे माइनस आ जाएगा, COH किसमें चेंज होगा, CO- में, CO- में, और NH2 पे NH3+ सही है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0। तो mod Z2 क्या हो गया, 0, ठीक है, एट pH=11। बेसिक क्या है मुद्दा, बेसिक, तो इस केस में ये NH3+ फिर किसमें चेंज हुआ, NH2 में, ये NH3+ फिर किसमें चेंज हुआ, NH2 में, लेकिन बेटा COOH किसमें चेंज हुआ, COOH किसमें चेंज हुआ, CO- में, किसकी बात कर रहे हैं, pH=11 में, COH किसमें चेंज हुआ, CO- में, कितने COH हैं, 2 COS, 2 CO-, और हाईली बेसिक है, हाईली बेस, pH=2 बेसिक है, तो यहां एक मुद्दा और होगा, क्या हो जाएगा, पी फिनोलिक ग्रुप, ये किसमें चेंज होगा, O-, तो mod Z3 क्या हो गया, 3।
अब क्या पूछा है, जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 0 + 3, क्या आ गया आंसर, 5। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से, पीएच इक्वल टू 2 पे दोनों एनएस टू किसमें चले गए, एनएस थ्री प्लस, क्या आ गया 2। क्लियर। पीएच इक्वल टू 6 पे सीओएच माइनस तो सीओ माइनस में और एनएस टू एनएस थ्री प्लस में कैंसिल 0, और पीएच इक्वल टू 11 बेसिक है तो एनएस थ्री प्लस था, वो किसमें आ गया, एनएस टू में, एनएस थ्री प्लस किसमें आ गया, एनएस टू में, 2 सीओएच माइनस सीओ माइनस में, 1 फिनोलिक, ये O- में चार्ज क्या आ गया 3, तो Z1 + Z2 + Z3 कितना आ गया 5। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, बात सुनो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8S10O2 रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड बात होगी, ठीक है, इट प्रोड्यूस पिंक कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, विथ न्यूट्रल FeCl3, यहां पे लाइन आपको इंफॉर्मेशन आपको पता है कि फिनोलिक या इनोलिक FeCl3 के साथ क्या देता है, पिंक कलर, ठीक है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड, क्वेश्चन साइड में करते हैं, ठीक है, C8S10O2, तो C8S10O2, पहले इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुएशन निकाल देते हैं, C8S10 जनरल फॉर्मूला C8H2 × 8 + 2, क्या आ गया C8H18, 18 में से 10 क्या आ गया 8, 8 बाई 2 क्या आ गया 4, इसकी DU क्या आ गई, इसकी DU आ गई बेटा 4, ठीक है, FeCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब एक फिनोलिक ग्रुप होगा ही होगा, तो यहां पे क्या हो गया 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, OH CH OH CS3, काउंट कर सकते हो कार्बन, यही बना, देखो फिनॉल हो गया तो FeCl3 के साथ टेस्ट, और ये मतलब इसकी बात हम ऐसे लिख सकते हैं OH, ये OH और यहां CS3, एंड ये लिख सकते हो OH CS3, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब इसमें क्या बना D and L, अब पोजीशन इसकी चेंज कर दो, दूसरी क्या बन जाएगी, एक ही बता दिया ऐसे हो सकता है, ठीक है, दूसरी इसकी पोजीशन चेंज करो, यहां OH कर दिया, यहां क्या कर दिया OH CS3, इसमें भी क्या आ गया D and L, और फिर इसको कहां पे कर दो आप, पैरा पे OH OH, और यहां क्या हो गया CH3, ये भी काइरल, ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया DLL, तो इससे बने 2, इससे बने 2, इससे बने 2, टोटल कितने हो गए 6, आंसर कितने हो गए 6, तो पहला काम इसमें कॉन्सेप्ट सुनना, पहला इसमें DU निकाल दिया, FeCl3 के साथ टेस्ट का मतलब फिनॉल है, उसके बाद से काइरल होना चाहिए, तो फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला को सेट किया गया, फिनॉल CH OH CS3, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेटिस्फाइड है, ये तो FeCl3 के साथ टेस्ट, और ये ऑप्टिकल रोटेशन वाली बात हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, काइरल हो गया, 2 बन जाएंगे DL, पोजीशन एक बार ऑर्थो, एक बार मेटा और एक बार पैरा, तो DL, टोटल आंसर कितने हो गए 6, ठीक है, एक हमने बना के यहां बता दिया, सेम वैसे एक बार OH को प्लेन के ऊपर, एक बार नीचे, एक बार OH को प्लेन के ऊपर, एक बार नीचे,
ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फोर कंपाउंड, 1, 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। सिंपल एनिलीन है, यहाँ NCH3CH3 NH2 NO2 लगा है, 3 NCH3CH3 NO2 कंपाउंड देख लो। यहां से आपको स्टेटमेंट चेक करना है। तो सबसे पहला काम आपको इसकी क्या करना है, बेसिसिटी। यहां देखना आपको बात, 1 डिग्री है, ठीक है। लोन पेयर किस में जाएगा, रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। यहां और sp2 है, ये यहां भी क्या है sp2, ये क्या है 3 डिग्री। ध्यान से बात को, हर बात को पकड़ो। यहां NH2 है, SIR होगा, नो SIR, NH2 में SIR नहीं होगा, यहां SIR, ठीक है। बोलो बोलो भाई, क्लियर बात है इतनी। अब यहां SIR लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां बेसिसिटी का पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, बेसिसिटी पहला काम 4, ठीक है। SIR यहां लग रहा है, 4 के बाद 2, ठीक है। 4 के बाद क्या आया, 2, फिर क्या आएगा, 1, और फिर क्या आएगा, 3, क्योंकि यहां माइनस एम और SIR नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है, माइनस एम बेसिसिटी को क्या करता है, कम करता है। तो यहां क्या हो गया, 4, 2, 1, 3, एक बात हो गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये बात तो हो गई गलत, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ PKV डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज मोर देन बिटवीन 3 एंड 4, बात समझ गए। ये तो दोनों एक्सट्रीम पे हैं, 3 और 4 क्या है, एक्सट्रीम पे हैं, तो 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, अधिक। लेकिन यहां कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड की मोर है, ये भी बात क्या हो गई, गलत, क्योंकि एक्सट्रीम पे ही है ना, तो 3rd और 4 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अच्छा होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट मोर इन 3rd देन इन 4th, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि यहां रेजोनेंस 3rd में, ध्यान से देखो, यहां कोई SIR नहीं है, नो SIR, और यहां SIR है, SIR स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां रेजोनेंस होगा, तो 3rd वाली बात क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है बेटा। अगली बात, स्टेरी इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4th मोर बेसिक देन 3rd, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया था ये सब, कि कहां SIR लगेगा, कहां, यहां भी SIR हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ये एनिलीन से मोर बेसिक होता है, ठीक है। तो 4th में SIR होने की वजह से ये 3rd से मोर बेसिक, ये बात सही है। तो आंसर बेटा कौन सा होगा, 3 एंड 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड पी, इस पी के बारे में है, इधर रिएजेंट है दे रखा है, यहां रिएक्शन हुई ऑप्टिकली एक्टिव, इधर रिएक्शन हुई ऑप्टिकली एक्टिव, यहां PtH2 के साथ ये कंपाउंड बन रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखो C9H12, पहला काम तो आपसे हम कहेंगे कि आप इसकी DU निकाल लो, क्या निकाल लो, DU C9H12 CnH2n+2, n की जगह कह रखो 9, 2 × 9 + 2 C9H20, 20 में से इसको डिवाइड कर दो, 12 क्या आ गया, 8, 8/2 क्या आ गया, 4, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसकी आ गई कितनी, 4, इसमें कोई दिक्कत, इसको मिटा दें, ठीक है। अब बात देखो, अब बात P जो है,
ठीक है। यहां तभी आगे जब इसकी रिएक्शन तभी आगे ऑप्टिकली एक्टिव को हमें गवर्न करना है, तभी आगे ऑप्टिकली एक्टिव हो पाएगा। जैसे इसकी तो PtH2 के साथ रिएक्शन करोगे P2H2, तो ये वन टू थ्री, ठीक है। अब यहां से तुम्हें बातों पता चलेगी, एक्स रिएजेंट डाल, देखो उधर PDC अगर लिंडलार कैटालिस्ट या PD चारकोल क्यूनोलीन ये होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को किसमें चेंज करेगा, डबल बॉन्ड को कोई टच नहीं करेगा। तो PDC ये डाला H2 क्यूनोलीन, ठीक है ना, क्यूनोलीन, तो ये क्या बन जाएगा, ये यूं, और यहां क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो ठीक है। अब आगे हम इसकी रिएक्शन करते हैं KMnO4 के साथ, किसके साथ, KMnO4, तो ये होगा COOH 1 2 3, फोर कार्बन, 1 2 3 4 COOH। अब ये देखो कायरल, इसी से तुम्हें ये पता चलेगा कि डबल बॉन्ड ये कहां पे रहेगा, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड आप यहां कर देते, ठीक है ना, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट नहीं होगा और कहीं कायरल नहीं आएगा। तो यहां पे जब डबल बॉन्ड किया तो क्या आ गया, कायरल। यहां कर देते तो कायरल नहीं आता, इसलिए डबल बॉन्ड यहां पे किया गया। अब देखो क्या है, C8H12O6 और ये देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, एसिड है, ठीक है। अब इधर बात करते हैं NaNH2 क्या बनेगा, ये हुआ C ट्रिपल बॉन्ड CNA, यही आया। उसके बाद से रिएक्शन कह रहा है किससे, C6H5COCH3 इसके साथ PHC डबल बॉन्ड OCH3, ये माइनस और ये प्लस, Na पे प्लस C पे माइनस, तो क्या बन गया बेटा, देखो ये हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां O माइनस CH3 और यहां क्या हो गया PH, बोलो सही है। अब आगे कह रहा है H प्लस, तो H प्लस डाला, ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड CCOH CH3 और यहां क्या हो गया PH, ठीक है ना। ये कौन सा कंपाउंड, ये तो था Q, ठीक है। अब आगे कह रहा है हीट, तो यहां से निकाल दो H2OOH यहां से और H यहां से, तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या हो गया PH, ये क्या बना बेटा R, ये भी देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, देख रहे हो ना। इसी से बातें अपने को क्लियर कट पता चली, ठीक है। अब बात आते हैं, अब पहला P इज दिस, होगा ये नहीं होगा, P ये है नहीं है, P कहां पे है, P कहां बेटा ये है, ये कहां पे है, ये देख रहे हो ना, थर्ड आंसर। और X इज PDC क्विनोलीन, ये क्या हो गया, X PDC क्विनोलीन रिएजेंट था ना ये वाला, ये क्या है X है, तो ये हो गया सेकेंड। फोर्थ चेक करते हैं, ऐसा है R इज, देखो एक C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 PH बन रहा है ऐसा, जस्ट जहां अटैच है ना वहीं डबल बॉन्ड है, देखो इधर ये कार्बन दिख रहे हो, इसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड, यहां देखो एक कार्बन छूट गया, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, कहां पे है, यहां पे आ गया, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड और थर्ड, ठीक है बेटा, सेकेंड और थर्ड, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड, थैंक यू, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स,
मैं विनय यादव, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। मैं आप लोगों के साथ बेटा आज फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन करूंगा, आईआईटी जेई ईयर 2020 में जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका पेपर टू का। क्लियर, फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत अच्छे प्यारे से क्वेश्चन पूछे गए इस बार, 8 क्वेश्चन जो है पेपर टू में पूछे गए थे, तो उनका आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 पेपर टू का, वो यहाँ पे रेडॉक्स वाले चैप्टर से अपन लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, कि इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ केमिनोफोर एंड KI इन अ वीकली बेसिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल ऑफ केमिनोफोर कंज्यूम। ठीक है, तो एक बड़ा प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स को लेते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे, कि अपन लोगों को ये पता होना चाहिए बस कि केमिनोफोर जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होकर जा रहा है। माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन में जो है केमिनोफोर बेटा प्लस, मतलब Mn+7 से किस में जाता है, Mn+7 से आपका Mn+4 में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितने इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करा होगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर, और यहाँ पे जो आयोडीन है मतलब KI को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा किसमें, I2 में, I- को, तो I- किस में जा रहा है, I2 में। ओके, ये दो हाफ रिएक्शन होंगी, ये रिडक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ जो है, पहले तो एटम बैलेंस कर लो बेटा इसके। ठीक है, इसने क्या करा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा। ठीक है, अब इसको जरा बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में। ऑक्सीडेशन हाफ से जितने इलेक्ट्रॉन जो है लूज होंगे, रिडक्शन हाफ उतना गेन करेगा, तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, Mn यहाँ पे +7, ठीक है, +3I- गिव्स व्हाट, यहाँ पे आएगा बेटा आपका Mn+4 +3/2I2। ठीक है, अच्छा इसको अपन लोग क्या करें बेटा, इसको जो है, तो बेटा जब इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो बनेगी केमिनोफोर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन लोगों ने, +6I-, ओके, गिव्स व्हाट, MnO2 में जाएगा ये, +3I2, ओके, साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पे KI है और I- हटा दो, तो अब KI बचा, प्लस यहाँ पे जो है ना वाटर जो है 4H2O होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 8KOH प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2। अब आप देख सकते हो कि इसको जो बैलेंस करा अपन लोगों ने, तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन बेटा जो 2KMnO4 है, आप देख सकते हो मैग्नीज भी बैलेंस है, ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस है ना, और साथ में क्या है, पोटेशियम भी बैलेंस है, ओके, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि केमिनोफोर के 2 मोल से आयोडीन कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 3 मोल। क्लियर, सो 2 मोल केमिनोफोर प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोड्यूसिंग 3 मोल I2। क्लियर, देयरफोर 4 मोल क्या होगा बेटा, 4 मोल केमिनोफोर विल प्रोड्यूस व्हाट, 6 मोल I2, यस और नो। ठीक है, सो आंसर जो अपन को पूछा गया जा रहा है बेटा, अपन को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल ऑफ केमिनोफोर, 4 मोल के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा बेटा, 6 मोल इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 मोल विल बी द आंसर। ओके, चलो सिंगल डिजिट इंटीजर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, 1 or more than 1 टाइप का प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट चेक किया गया बेटा, और साथ में आपको केमिकल काइनेटिक्स से भी जंबल कर दिया। ठीक है, यही इस पेपर की इस बार खूबसूरती रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के, है ना। तो चलो शुरू करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, देखो अपन को रिएक्शन दे रखी है CH3Br, ओके, +NaOH गिव्स व्हाट, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, टर्सरी ब्यूटेनॉल, आपने NaOH यूज करा। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये रिएक्शन जो है बेटा कौन सा पाथ चूज करेगी, 3 डिग्री
अल्काइल हैलाइड क्या होता है? SN1 रिएक्शन का पाथ फॉलो करता है, इस पे SN2 तो होगा नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट दे रखा है वो SN1 के ही साथ बन सकता है, ठीक है। तो मतलब द रिएक्शन फॉलोइंग व्हाट? द रिएक्शन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सारी बातें अपन लोग जानते ही बेटा, ठीक है, कि भाई जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो टी हाफ जो है बेटा यहाँ पे ऑब्वियस, इसका ग्राफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग चेक करते हैं क्या, कि भाई आपने बोला इनिशियल रेट जो है पी नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या ऐसा होगा क्या बेटा? ऐसा नहीं होगा ना भाई, जो भी इनिशियल रेट होगा आर नॉट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? इनिशियल रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1, यस और नो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व तो आ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग बेटा, यहाँ पे क्यू बाई पी नॉट का रेशियो अपन को पूछा गया है टाइम के साथ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम देखें तो पी से क्या मिल रहा है अपन लोगों को? क्यू, ठीक है। मान के चलो टी इजिकल टू जीरो पे अपन लोगों की पी नॉट कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा, टी टाइम बाद क्या हो रहा है, P0 में से X चला गया, तो ये कितना बना X, और ये क्या होगा भाई आपका, ये PT कहलाएगा, क्या कहलाएगा? PT कहलाएगा, ओके। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो जो है अमाउंट है किसकी बेटा? T टाइम बाद, ठीक है, जो रिएक्टेंट P है और प्रोडक्ट आपका Q है, आपको निकालना है Q की अमाउंट और P0 की अमाउंट का रेशियो। तो Q की अमाउंट कितनी है बेटा, या कॉन्सेंट्रेशन Q की कितनी है? T टाइम पे X है ना, अच्छा। और साथ में बेटा अपन लोगों को ये भी पता है कि भाई जो QX होगा, ठीक है, वो क्या होगा? P नॉट है ना माइनस ऑफ PT, यस और नो, ठीक है। PT कितना आता है? PT आता है बेटा P नॉट e टू दी पावर माइनस KT, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हम लोग ये बातें जानते ही है। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, P नॉट तो अपन ने बाहर ले लिया, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस KT, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है कि भाई जो है अपन को निकालना है बेटा Q बाई पी नॉट, क्या निकालना है? Q बाई पी नॉट। तो Q बाई पी नॉट क्या होगा, Q बाई पी नॉट जो होगा, Q क्या है बेटा? X है ना, तो X कितना आया? P नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी अपॉन पी नॉट, ठीक है, अपॉन पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, बच क्या रहा है अपना? 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी का जो कर्व आएगा, ठीक है, मतलब Q की Q कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P है ना, वो कितना आ रहा है बेटा? 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब बेटा, ग्राफ कैसे जाएगा यहाँ पे? T इजिकल टू जीरो पे तो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग अगर पॉइंट देखें हम लोग, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आने वाला है बेटा, इसका बहुत हायर वैल्यू ऑफ टाइम पे जो है अपन लोग देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे e की पावर जो है बेटा यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना जाएगा? 1, ठीक है, समझो बात को, क्योंकि t इनफाइनेट पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 1 हो जाएगा, है ना। और अगर t जीरो रखेंगे तो t जीरो पे ये क्या होगा बेटा? 1, 1, 1, 1, तो जीरो से स्टार्ट, तो कर्व ऐसे जाएगा, ना कि इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, क्लियर। ये पहले इंक्रीजिंग जाएगा, फिर बहुत जो है ज्यादा टाइम इंटरवल के बाद, ओके, इनफाइनाइट टाइम जब अप्रोच करेगा तो ये स्टैग्नेंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया, ठीक है। अब अपन को पूछा जा रहा है बेटा क्या, चौथा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है अपन को, चौथे ऑप्शन में बोला जा रहा है ln ऑफ p बाई पी नॉट। तो ln ऑफ p बाई पी नॉट अपन को पता है बेटा, ln ऑफ p जो होगा वो होगा ln ऑफ p नॉट माइनस kt, है ना, ओके, ये अपन लोगों ने फॉर्मूला निकाल रखा है बेटा, ठीक है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ln ऑफ p बाई पी नॉट क्या होगा? ln ऑफ p बाई पी नॉट जो ग्राफ आएगा वो माइनस ऑफ kt, क्लियर। तो ये स्लोप कैसी आएगी बेटा, इसकी नेगेटिव आएगी, ओके, और टाइम के साथ अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू जाएगी, ठीक है, ये ग्राफ भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो अपन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका आंसर अपन लोगों को मिल रहा है फर्स्ट आंसर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है, ठीक है। इसमें बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था, लेकिन अगर हम ग्राफ ग्राफ में उलझ जाएंगे तो हम लोगों को डिफिकल्टी लगेगी इस क्वेश्चन में, है ना। ओके, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सॉफ्ट है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, सी अगर अपन लोग देखें यहां पे बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस आपको टाइट्रेट करा जा रहा है 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है भाई। द वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ एच ए एडेड इज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है भाई। ओके, अब जरा इस ग्राफ को नोटिस करो बेटा। ओके, यहां पे अपन लोगों ने बी और एच ए ले लिया, बी एच प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है। अगर हम लोगों को इस तरीके से सोचने में डिफिकल्टी लग रही है तो आप बी जो है बेटा अमोनिया सोच सकते हो और स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एल सोच सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा यहां पे, एन एच फोर प्लस बनेगा साथ में सी एल माइनस, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, क्लियर। अब यहां पे जो है, अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा ये ग्राफ, है ना। अगर हम देखें इसमें बेटा तो ये ग्राफ जो है ना, यहां क्या हो रहा है, अगर इस ग्राफ को देखो बेटा तो 6 ml पे ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किसका, बेस का, ठीक है। 6 ml पे 0 से 6 ml अपन लोगों ने यूज करा है HA का, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, इसका मतलब क्या बेटा, अगर हम देखें यहां पे तो ये मिड पॉइंट पे जो है अपन लोगों को 12 और 10 के बीच की वैल्यू 11 होगी, ठीक है। ये पीएच वैल्यू 11 रही होगी, मिड पॉइंट जब 3 ml पे रहा होगा, ठीक है, मतलब आधा न्यूट्रलाइजेशन रहा होगा तब जाके ये जो है सोल्यूशन जो रहा होगा बेटा, ठीक है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे, किस पे, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा बेटा, अगर इसको हम देखें यहां पे, सपोज इसकी अमाउंट ए नॉट थी, है ना, तो जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन रहा होगा तो ए नॉट बाई टू हो गया होगा बेटा, और ये कितना बना होगा, ए नॉट बाई टू, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट बाई टू, ठीक है, ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन, ये इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस समय क्या हो रहा होगा बेटा, सोल्यूशन के अंदर कौन कौन मौजूद होगा, बी एच प्लस, ठीक है, एंड बी, ये दो कंपोनेंट मौजूद होंगे, ठीक है। ये क्या बेटा, एक वीक बेस, ठीक है, और ये क्या है आपका, उसका सॉल्ट, ठीक है, या हम लोग बोले इस वीक बेस का ये कंजुगेट एसिड है, ठीक है। तो इस समय ये क्या होगा बेटा, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी उस समय ये क्या होगा बेटा, एक बेसिक बफर बनाएगा जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी का होगा, बेसिक बफर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। और बफर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल ही रखा बेटा, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है बेसिक बफर का, ठीक है। अपन लोग देखते हैं कि पीओएच जो होता है पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बीएच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन व्हाट बेटा, बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर अपन लोग देखें यहां पे तो पीकेबी तो ठीक है, पीओएच लॉग ऑफ क्या होगा यहां पे, कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन लोग देखें यहां पे तो ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू मतलब लॉग वन आ जाएगा, लॉग वन तो जीरो हो गया बेटा, ठीक है। तो मतलब यहां पे पीकेबी और पीओएच बराबर होंगे। अच्छा, तो अपन लोगों को यह समझ में आ गया कि पीकेबी इज इक्वल टू पीओएच होगा, और पीओएच उस समय है क्या, जरा देखते हैं बेटा इस ग्राफ में देखो, ठीक है। ये ग्राफ में अपन लोगों को जब हाफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, ओके, तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11, ठीक है। तो पीओएच कितना होगा बेटा, पीओएच होगा 3, ओके, सो यहां पे पीओएच आएगा 3, 14 माइनस 11 3, तो पीकेबी कितना आ गया अपने पास, 3। आंसर में अपन लोगों को पूछा क्या जा रहा है, पीकेबी ही पूछा जा रहा है बेटा, तो पीकेबी जो होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 03, ठीक है, समझे बात को। बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके ओके, ये सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम पूछी गई बेटा, एक आसान सी प्रॉब्लम थी, इसमें कुछ ज्यादा करने जैसा नहीं था,
ओके ये क्वेश्चन जो है सीधा राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। आपको बोला जा रहा है कि दो लिक्विड्स हैं ए और बी, है ना, दैट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं सभी ऑल कंपोजिशन के लिए। ठीक है, अच्छा तो अब वो कह रहे हैं टू सच सॉल्यूशंस विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हैव द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 बार एंड 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, तो अपन को पता है बेटा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हमें दे रखे हैं दोनों टाइम, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में ही हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जाई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, यस और नो? ठीक है, आसान सी प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, अब एक बार वो कह रहे हैं कि जाई अपन ने 0.25 ले रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 0.3 बार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है। ओके, सो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू व्हाट, जाई कितना दे रखा है बेटा 0.25 मतलब 1/4 प्लस पी नॉट बी, ये फर्स्ट हो गया, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, 0.4 बार अपन को दे रखा है, तो 0.4 बार इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, जब अपन लोगों को मोल फ्रैक्शन ए का कितना दे रखा है 0.5 मतलब 1/2 प्लस पी नॉट बी। ओके, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब देखो, अब क्या करना है बेटा, इसमें अपन लोगों को पी नॉट बी चाहिए, है ना, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी अपन को देखना है यहां पे, तो क्या आएगा यहां पे, देखो ये अपन लोग क्या करें बेटा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस करके सेकंड को ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.6 माइनस 0.4 मतलब 0.2 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा गया बेटा यहां से 2 pv0 माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू वॉट, पी नॉट बी। ठीक है, सो पी नॉट बी कितना आ गया अपने पास 0.2 बार। बस यही इन्फॉर्मेशन पूछी थी, तो अपन लोगों को पी नॉट ए निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, निकाल तो सकते ही हो, आपको पी नॉट बी पता चल गया है। ओके, किसी भी एक वैल्यू में रख दोगे तो पी नॉट ए की जरूरत नहीं है, अपन लोगों का डायरेक्ट आंसर अपन को मिल चुका है, पी नॉट बी इज इक्वल टू 0.2 बार, है ना। ओके, तो ये बड़ी आसान सी प्रॉब्लम राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड पूछी गई थी। ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 समझो बेटा। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, हालांकि इसका बहुत ज्यादा कोई केमिस्ट्री से वास्ता नहीं है। ओके, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, अपन लोग फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है। ओके, या अपन लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम ध्यान हो थोड़ा सा, ठीक है, तो अपन लोगों को अगर फॉर्मूले वगैरह याद हैं तो अपन से हो जाएगा ये प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और फिर एक एक करके उसका मतलब समझते हैं। वो कह रहे हैं द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेटा जो है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ओके, इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, ये बात नोटिस करने जैसी है कि ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट इन किलो जूल पर मोल फॉर डी इज इक्वल टू डी नॉट। ठीक है, वो कह रहे हैं डी इज इक्वल टू डी नॉट, जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी नॉट के बराबर है बेटा यहाँ पे। ठीक है, एट विच द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन एनर्जी आर एबसेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है इन दोनों हाइड्रोजन का निग्लिजिबल है, और जो है न्यूक्लियर रिपल्सन भी हम जीरो मान रहे हैं। ठीक है, साथ में वो बोल रहे हैं बेटा कि एज अ रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी जीरो वेन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर इन्फाइनेटली अपार्ट, फार अपार्ट। ठीक है, तो अगर वो इन्फाइनेट डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन टू बी जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की किस वजह से होगी बेटा, न्यूक्लियस का जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या होगा यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस पे। ओके,
वो कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। समझ रहा बात को? व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर इनफाइनाइटली अपार्ट, ठीक है, तो उसको जीरो होता भी है। जैसे हमें वैसे भी याद है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर वो इनफाइनेटली फार अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों बात करें ग्राउंड स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कहने का ये मतलब है कि दोनों एटम्स जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, इनका आपस में जो है कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और न्यूक्लियर रिपल्सन भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, समझे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी बेटा वो पर हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो पर हाइड्रोजन एटम ये कितना आएगा। अपन लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बेटा, तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा अगर पर एटम की मैं बात करूं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर एटम जो आएगा 2 × माइनस ऑफ 2.178 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है। यहां से क्या आएगा बेटा, आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4.517, ठीक है, × 10⁻¹⁸ जूल। ये पर एटम निकाल लें हम लोग, ठीक है, क्लियर। सो यहां पे सॉरी ये आएगा आपका 4.356, ठीक है बेटा, 4.356 × 10⁻¹⁸ जूल, क्लियर। अब चूंकि सिस्टम जो है बेटा दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है तो अपन लोग वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ओके ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस ऑफ 2 × 4.356 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है। सो यहां से अपन लोग निकाल लेंगे बेटा 8.712 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है, समझे बात को। अब अपन लोग क्या करेंगे यहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी दो हाइड्रोजन एटम्स के करस्पॉन्डिंग आ गई बेटा, ठीक है, मतलब अगर पर मोल मॉलिक्यूल लें हम लोग, ठीक है, तो पर मोल के लिए क्या होगा बेटा, इसी में आप क्या करोगे, अगर पर मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लें तो यहां पे आप इस केस में किलोजूल पर मोल में बताना ना बेटा इस सिस्टम की एनर्जी को, तो किलोजूल पर मोल में क्या होगा कि भाई आप इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस ऑफ 8.712 × 10⁻¹⁸ एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻², ओके। और ये क्या आ रहा है बेटा जो है इतने जूल आएगा। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से जब आप निकालोगे बेटा तो ये रफली जो आंसर आता है, ये जो आंसर है बेटा 5248.44, ये मैंने कैलकुलेट करा है इसको, किलोजूल पर मोल आ रहा है, किलोजूल पर मोल, क्लियर। तो ये पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है बेटा ओके यहाँ पे 5248.44 और ये रेंज में आएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, समझो बात को, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव क्योंकि अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ओके। तो ये पर मोल में दे रखा है बेटा, ओके। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि पर एटम के हिसाब से, मतलब दो एटम को अपन लोग कंसीडर ना करें, सिर्फ एक ही एटम को कंसीडर करेंगे तो वैल्यू हाफ आएगी, क्लियर। अच्छा, और ये रेंज में आंसर आएगा बेटा, सबका वेरिएशन होगा यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे, तो इसलिए इसका एक सर्टेन रेंज बनेगा 5240 से लेके 5280 तक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अपन लोग, नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ओके ये क्वेश्चन बेटा ऑर्गेनिक का है और साथ में उसमें मोल कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन है, क्लियर। तो चलो इसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फ्रॉम पी टू क्यू एज शोन, द ओवरऑल यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट क्यू फ्रॉम पी 75%, व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ क्यू ऑब्टेंड फ्रॉम 9.3 ml ऑफ पी।
ठीक है, 9.3 ml ऑफ पी। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके देखो, इसमें अगर रिएक्शन पता है अपन लोगों को, ठीक है, तो ये हो पाएगा। अगर रिएक्शन अपन को नहीं पता है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम में। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि जो P दे रखा है अपन को NH2, ठीक है, इस पे अगर NaNO2 HCl की रिएक्शन कराएंगे तो डायजेनियम सॉल्ट बनेगा, डायजेनियम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डायजेनियम सॉल्ट। ठीक है, और डायजेनियम सॉल्ट की जब रिएक्शन जो है अपन लोग क्या करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अपन लोग करा रहे हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन अपन लोग करा रहे हैं बीटा नेप्थोल के साथ। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, कपलिंग रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में NaOH दे रखा है। ठीक है, अब चूंकि NaOH दे रखा है तो यहां पे क्या बनेगा, देखो बीटा नेप्थोल अपन को पता ही है, यहां पे इस तरीके से N डबल बॉन्ड N और यहां पे PH, ओके, और यहां पे बेटा OH रहेगा, लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक, तो यहां पे NaOH क्या करेगा, इसको सॉल्ट के फॉर्म में कैरी करेगा। ठीक है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। अब जो है इस पे अपन लोग क्या करा रहे हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं। तो एसिटिक एसिड मतलब एसिडिक वाटर हो गया बेटा, तो यहां से जो Q प्रोडक्ट बनेगा, वो Q प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे आ रहा है N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये आएगा बेटा OH, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा O माइनस। ठीक है, ये आपका Q हो गया। अब देखो बेटा आगे की कहानी क्या है इसमें, कि अगर अपन लोग क्या कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओवरऑल यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट Q इज Q फ्रॉम P 75%। अब हम देख सकते हैं बेटा कि P के एक मोल से क्या हो रहा है, डायजेनियम सॉल्ट एक मोल बन रहा है और इसके एक मोल के साथ ही ये कंबाइन हो रहा है। तो फाइनली इसके एक मोल के साथ आइडियली क्या बनना चाहिए, एक मोल Q बनना चाहिए, क्लियर। लेकिन अपन लोगों को 75% यील्ड दे रखी है रिएक्शन की, मतलब इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका कितना आएगा, 0.75 मोल। ठीक है, ओके, सो 1 मोल ऑफ पी मतलब एनिलीन विल प्रोड्यूस 0.75 मोल ऑफ क्यू। ठीक है बेटा, एक मोल के लिए। अब अपन लोगों को यह पता करना है कि भाई यहां पे Q के मोल कितने ग्राम में ऑप्टेन होंगे, अगर 9.3 ml ऑफ P आपको अमाउंट दे रखी है इसकी P की, ओके, हमें यह पता चल जाए बेटा कि P के मोल कितने, और P के मोल पता करने के लिए हम लोगों को P का अमाउंट पता करना पड़ेगा, मास पता करना पड़ेगा। मास क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ P आपको 1 ग्राम पर ml दे रखी है, क्लियर। तो W ऑफ P क्या होगा, वेट ऑफ P इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ P इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है 9.3 इंटू डेंसिटी हो गई बेटा 1 ग्राम, तो यहां से ये 9.3 ग्राम आ गया। ठीक है, 9.3 ग्राम आ गया। अब मोल ऑफ P क्या आएगा भाई, मोल ऑफ P देखो, मोल ऑफ P जो आएंगे वो गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है एनिलीन का निकालोगे बेटा, तो एनिलीन का जो मोलर मास आएगा, ठीक है, मैंने इसको निकाला था, तो एनिलीन का मोलर मास आता है 93। ठीक है, कितना आता है 93, तो मतलब यहाँ पे पी के मोल कितने आ रहे हैं बेटा, 0.1 मोल, कितने आ रहे हैं 0.1 मोल। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मोल ऑफ क्यू प्रोड्यूस कितने होंगे बेटा, मोल ऑफ क्यू प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0.75 इंटू वॉट 0.1, मतलब 0.075, हाँ है ना। ठीक है, ये मोल ऑफ क्यू प्रोड्यूस आ गए 0.075 मोल। ये बात क्लियर हो गई अपन को। अब आगे की कहानी करते हैं, 0.075 मोल अगर अपन लोगों के किसके आ गए, क्यू के बेटा, अपन को पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ क्यू, तो क्यू जो बना है इसका जब मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे बेटा, तो ये मोलर मास क्यू का जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 248, कितना आ रहा है 248। तो W of Q कितना आएगा बेटा, W of Q आएगा मोल ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ Q, दैट इज 248। ओके, सो दैट विल गिव द रिजल्ट 18.6, ठीक है, 18.6 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या हो गया, Q का अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से अपन लोगों ने
ये क्वेश्चन फिनिश किया, क्वेश्चन नंबर 16, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा, क्लियर। आपको ऑर्गेनिक की भी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी थी और आपको मोल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो है ही, बेसिक सा मोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन किया गया है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ो कि टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैसिटेराइड बाय द रिडक्शन ऑफ कोक, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अपन लोगों को एक मेटलर्जी जैसा क्वेश्चन फील आ रहा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कैसिटेराइड दे रखा है, उसका कोक से रिडक्शन किया गया बेटा। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन ऑफ कैसिटेराइड बाय कोक। ये अपन लोगों ने टेम्परेचर वाला जो है एलिंगम डायग्राम का कर्व पढ़ा था बेटा, ग्रेफाइट या कार्बन से अपन लोग क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स का। तो अब देखो इसमें अपन लोगों को जो डेटा दे रखा है उसको हमें यूज करना है जरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि टिन जो है बेटा इसको ऑप्टेन कर रहे हैं, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है SNO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, एंट्रोपी दे रखा है, क्लियर। तो जरा इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं बेटा, क्योंकि डेटा यहाँ पे जो दे रखा है उसके हिसाब से अपन लोग कार्बन से जब रिडक्शन करेंगे बेटा तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और टिन रिड्यूस होगा, SNO2 रिड्यूस होगा टिन में, ठीक है। ये कार्बन सॉलिड फेस में रहेगा, ये भी सॉलिड फेस में, ठीक है। अच्छा ये तो अपन लोगों ने इसकी रिएक्शन लिखी, अपन लोगों को पूछा जा रहा है टेम्परेचर फाइंड आउट करो, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अपन लोगों को एक बात पता होगा कि अगर डेल्टा जी इज नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ठीक है, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो भी एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस है बेटा, इसका अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियसली कैरी हो जाएगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम लोग कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट क्या है भाई। तो डेल्टा एच नॉट देखो बेटा, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन विल बी क्या होगा, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या रखोगे, SNO2, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, ठीक है। अगर अपन लोग देखें इसमें कि भाई टिन तो एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में बेटा, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में अपन लोग उसका जीरो ही लेंगे, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको कितना दे रखा है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दे रखा है 394, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, माइनस में है बेटा, -394, ठीक है, माइनस ये तो हट गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SNO2 कितना दे रखा है आपको, दे रखा है बेटा ये 581, तो -581, ओके। तो अगर हम देखें यहां से तो अपन लोगों को डेल्टा एच नॉट कितना मिल रहा है बेटा, इसको आप देखोगे तो +187 किलो जूल पर मोल आ रहा है, ओके, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अपन लोगों का क्या है बेटा काम, डेल्टा एच नॉट पता करना, ठीक है। तो जरा डेल्टा एच नॉट पता करते हैं इसमें, ठीक है। डेल्टा एच नॉट क्या होगा रिएक्शन का, डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ टिन सॉलिड, ठीक है, माइनस ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ व्हाट, SNO2, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ कार्बन सॉलिड, समझ रहे बात को, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में आपको जो एंट्रोपी डेटा दे रखा है उसको बस पुटी तो करना है बेटा, ठीक है। अब इसको देखो यहां पे कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दे रखा है एंट्रोपी, 210, ठीक है, प्लस इसका 52, ठीक है, माइनस यहां पे क्या आ रहा है बेटा, SNO2 का कितना दे रखा है, SNO2 का दे रखा है 56, प्लस ये कार्बन का कितना दे रखा है बेटा, कार्बन का आपको 6 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 262 -62, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 जूल पर केल्विन, ठीक है। नाउ अब अपन लोगों को डेल्टा जी नॉट निकालना है बेटा, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, मतलब डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव, तो डेल्टा एच नॉट माइनस ऑफ टी डेल्टा एच नॉट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, डेल्टा एच नॉट तो आपका आ रहा है 187 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलो जूल है तो उसको जूल में कन्वर्ट करा, माइनस ऑफ शुड बी लेस देन टी ऑफ, यहाँ पे टी ऑफ डेल्टा एच नॉट कितना आ रहा है बेटा 200, कितना आ रहा है 200, तो यहां से t should be greater than what बेटा 187 into 1000 upon 200, ठीक है। सो आप यहां पे देखोगे कि टेम्परेचर विल कम आउट 935 केल्विन, ठीक है। कितना आएगा 935 केल्विन, मतलब 935 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका जो है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, ठीक है, मतलब SNO2 का कार्बन से रिडक्शन हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा ये आसान सी प्रॉब्लम थी, है ना, बस थोड़ा साइकोलॉजी के लिए अपन लोग डरे नहीं तो क्वेश्चन तो आसानी से निकल जाते हैं, है ना। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, चलो ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर Zn2+ इज सैचुरेटेड विद 0.1 मोलर H2S, ठीक है। 0.05 मोलर टी का Zn2+ का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड किया गया है 0.1 मोलर H2S से बेटा, ठीक है, और सॉल्यूशन एसिडिक है। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ Zn2+, ठीक है, ओके। तो Zn2+ का प्रेसिपिटेशन के लिए बेटा क्या है, अगर हम देखें तो Zn2+ यहाँ पे Zn2+ की जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा बेटा Zn2++ सल्फाइड आयन, ओके। यहाँ पे अपन लोगों ने KSP डिफाइन कर रखा है, KSP आपको दे रखा है 1.25 into 10 to the power minus 22, ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन की जस्ट कंडीशन भी अगर हम देखें तो वहां पे KSP की वैल्यू क्या होगी बेटा, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, सल्फाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा वो KSP अपॉन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगा, ठीक है। KSP आपको कितना दे रखा है, KSP आपको दे रखा है 1.25 into 10 to the power minus 22, ओके, अपॉन Zn2+ कितना दे रखा है अपन को 0.05, ओके। सो यहां से कितना आएगा, 125 अपॉन 5 करा तो 125 into 10 to the power minus 22, है ना, मतलब यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट क्या होगा बेटा 1 इंटू इसको 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 अपन लोगों ने कर दिया, ये सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, है ना। साथ में सल्फाइड आयन बोला जा रहा है बेटा कि सल्फाइड आयन का सोर्स कौन है, H2S, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन लोगों ने कितनी ले रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। अब H2S जो है इक्विलिब्रियम में होगा बेटा ट्वाइस ऑफ H+ प्लस सल्फाइड आयन के साथ सोल्यूशन में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम भी फॉलो हो रहा होगा, ओके। के नेट आपको कितना दे रखा है, K1 into K2 is equal to 10 to the power minus 21, yes or no, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको H2S का दे रखा है, तो अपन लोग क्या रखेंगे बेटा यहां पे कि भाई के नेट जो है वो आएगा आपका H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 21, ओके, इज इक्वल टू भाई के नेट तो आपको दे रखा है बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपन को पता नहीं है, ठीक है। सल्फाइड आयन अपन लोग कितना निकाल चुके हैं बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है सल्फाइड आयन की, ओके। H2S एसिडिक मीडियम है बेटा, ऑब्वियस है, अपन लोग देख सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत कम है 10 टू द पावर 21, तो ऑलमोस्ट H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहने वाली है 0.1 ही, ठीक है। तो अपन लोगों ने इसकी 0.1 ही कॉन्सेंट्रेशन रखी है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 टू द पावर 21 तो हटाई दो, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 1/25, ठीक है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी भाई, 1/√25, ओके, दैट इज व्हाट 1/5, ओके। मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा यहां से,
0.2, ठीक है, कितना आ रहा है 0.2। तो आंसर क्या होगा बेटा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का 0.2। तो चलो बेटा अब मैं यहीं पे डिस्कशन अपना ओवर करता हूँ। ओके, सब लोगों को ऑल द बेस्ट। ओके, उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।